हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्रोशेट से फ्लावर बनाएंगे। इसके लिए मैंने कॉटन यार्न का यूज़ किया है और 2.5 mm का क्रोशे हुक यूज़ कर रही हूँ। देखिए 2.5 mm का क्रोशे हुक है। इसके लिए मैजिक रिंग, सबसे पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे। इसमें अपने टेल थ्रेड की टेल को अपने थंब और मिडिल फिंगर के बीच में प्रेस करके रखेंगे और मैजिक रिंग बनाएंगे। दो पैरेलल लाइंस आ जाएंगे ऐसे आगे पीछे, बैक साइड में हम क्रॉस करते हुए फ्रंट साइड में हम पैरेलल टू लाइंस बनाते हैं। फिर फर्स्ट लाइन के नीचे से अपने क्रोशिया हुक को लेके सेकंड को आगे ट्विस्ट करते हुए निकाल लेते हैं और फिर इसको एक चेन बनाकर इसको सिक्योर कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से हम एक चेन बना लेंगे और इसको हम सिक्योर कर लेंगे। और फिर हम इसमें टू चेन्स बनाएंगे और ये जो हमारा मैजिक रिंग है इसको इस तरह से होल्ड करके रखेंगे और इसी मैजिक रिंग के अंदर हम सबसे पहले सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये सिंगल क्रोशिया बनाया, इसके बाद फिर से हम इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर टू चेन्स बनाएंगे। इसको थोड़ा सा टाइट कर लेंगे अगर ज़्यादा बड़ा हो रहा हो तो, जितना आप एडजस्ट कर सकें उस हिसाब से इसको होल्ड कर लें। फिर टू लूप्स को, अपने वर्किंग थ्रेड को टू टाइम्स हम क्रोशिया हुक में लेके सेम स्पेस में ट्रिपल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। इसमें हम टू टू करके थ्री टाइम्स हम अपने लूप्स को क्रोशिया हुक में से निकालेंगे। ये एक हमारी ये ट्रिपल क्रोशिया स्टिच बन गई। ये देखिए, इस तरह से टू टाइम्स हमने क्रोशिया हुक में अपने वर्किंग थ्रेड को लिया और सेम स्पेस में मैजिक रिंग में हम क्रोशिया हुक को लेके जाएंगे और टू टाइम्स, फिर टू टाइम्स टू लूप्स निकालेंगे, फिर टू टाइम्स टू लूप्स को निकालेंगे। इस तरह से ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया स्टिच बनेगी और ये हम थ्री टाइम्स सेम स्पेस में हमने इसको सेम स्पेस में थ्री टाइम्स बनाया। वन टाइम, टू टाइम और ये थ्री टाइम, ये थ्री टाइम्स हमारी क्रोशिया हुक बन गई सेम स्पेस में। अब हम टू चेन्स बनाएंगे फिर से इसी में। ये देखिए, थ्री हमारी, वन टू थ्री, फर्स्ट हमारी सिंगल क्रोशिया स्टिच और थ्री हमारी ट्रिपल क्रोशिया स्टिच बनाई। फिर टू चेन्स बनाई हमने और फिर से सेम स्पेस में मैजिक रिंग जो हमारी है इसमें हम सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे और इसको हम साथ साथ में एकदम पास करते करते जाएंगे। साथ साथ ये हमारी एक फ्लावर की पेटल तैयार हो गई। फिर से हम टू चेन्स बनाएंगे और फिर से हम ये ट्रिपल क्रोशिया स्टिच थ्री टाइम्स सेम स्पेस में बनाएंगे। ये देखिए, टू टाइम्स हम अपने थ्रेड को लेंगे क्रोशिया में और टू टू करके लूप्स को निकालते जाएंगे। इसमें हमारे पास थ्री लूप्स को ट्रिपल क्रोशिया स्टिच बन जाती है। ये हमारी टू टू टाइम्स करके थ्री टाइम्स निकालते हैं। इसमें टू टाइम्स हम अपने क्रोशिया हुक में वर्किंग थ्रेड को लेते हैं जिससे हमारे पास फोर लूप्स हो जाते हैं और टू टू करके थ्री टाइम्स हम क्रोशिए से गिराते जाते हैं इनको, तो ये हमारी ट्रिपल क्रोशिया स्टिच बनकर कंप्लीट हो जाती है। ये हमने टू टाइम्स बना लिए, ये थर्ड टाइम हमारी ट्रिपल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। ये देखिए, ये फिर से हमारी इसको एकदम पास में करके रख करते जाएंगे ताकि पेटल्स हमारी साथ साथ रहें। और ये टू चेन्स बनाई, थ्री ट्रिपल क्रोशिया स्टिच बनाने के बाद टू चेन्स बनाएंगे और फिर से मैजिक रिंग में हम सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाकर इसको ज्वाइन कर देंगे और फिर टू चेन्स और सेम स्पेस में फिर से ट्रिपल क्रोशिया स्टिच बनेगी जिसमें हम टू टाइम्स लूप्स को अपने क्रोशिया हुक में लेंगे और टू टू करके
लूप्स को इस क्रोशिया हुक से निकालते जाएंगे। फिर से ट्रिपल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे जैसे प्रीवियस पैटर्न था, सेम रिपीट करेंगे उसको और थ्री टाइम्स ट्रिपल क्रोशिया स्टिच बनेगी सेम स्पेस में। देखिए इस तरह से सेम स्पेस में थ्री टाइम्स ट्रिपल क्रोशिया स्टिच बनाएगी, जिससे हमारी एक पेटल कंप्लीट होती है। थ्री टाइम्स ट्रिपल क्रोशिया स्टिच बनाते हैं तो एक पेटल हमारी बनकर कंप्लीट हो जाती है। और इसको इस तरह से पास करते जाएंगे ताकि फ्लावर की लुक जो है वो एकदम सेम आए, पेटल्स आगे पीछे नज़र नहीं आनी चाहिए। इसको टाइट करते जाएंगे साथ के साथ। और ये हमने टू चेन्स बनाकर सिंगल क्रोशिया स्टिच बना ली। और देखिए इस तरह से इसको ये हमने खींच के मैजिक रिंग को उसका फ्लावर का बीच का सर्कल बन गया। ये देखिए इस तरह से टाइट कर दिया इसको, ये हमारी पेटल बन गई। देखिए ये हमारी थ्री पेटल्स कंप्लीट हो गई, 1 2 3। देखिए अब मैंने पूरा फ्लावर कंप्लीट कर लिया है। इसके आगे लास्ट पेटल बनाऊंगी, टू चेन्स बनाई, फिर टू टाइम्स क्रोशिया हुक में अपने वर्किंग थ्रेड को लिया और टू टू करके लूप्स में से क्रोशिया हुक को निकाल दिया। थ्री टाइम्स निकालेंगे, ये देखिए टू लूप्स बचे, फिर टू लूप्स को निकाल दिया, ये ट्रिपल क्रोशिया स्टिच बन गई। और इसी तरह सेम स्पेस में हम थ्री टाइम्स ट्रिपल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। इसमें हमने मैजिक रिंग बनाया है, मैजिक रिंग के अंदर ही हमने सारी पेटल्स को थ्री बनाया है और फिर उसको थ्रेड को खींच कर मैजिक रिंग को टाइट कर देंगे तो ये अपने आप फ्लावर का लुक आ जाएगा। इसमें सारी पेटल्स के उसी तरह से हम रिपीट करते जाएंगे सेम पैटर्न को, पहले मैजिक सिंगल क्रोशिया, फिर ट्रिपल क्रोशिया थ्री टाइम्स सेम स्पेस में और फिर सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए ये सिंगल क्रोशिया स्टिच हमने पहले ही बना ली थी तो अब हम सिंगल क्रोशिया से नहीं ज्वाइन करेंगे, सिंगल क्रोशिया स्टिच की चेन में हम लेकर इसको ज्वाइन करेंगे स्लिप स्टिच से। हम जैसे पहले बीच में सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाकर ज्वाइन करते थे तो अब ये हमने फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग में ही सिंगल क्रोशिया स्टिच बना ली थी तो हम स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर देंगे इस पेटल को, एंड में जो हमने पेटल बनाई है, और एक चेन बनाकर इसको सिक्योर कर देंगे। ये देखिए ये हमारा फ्लावर बनकर कंप्लीट हो गया है। इनके पेटल को थोड़ा सा सेट कर लीजिए। अब हम इस फ्लावर कंप्लीट हो गया, इस थ्रेड को एक्स्ट्रा को कट कर देंगे। हमारा थ्रेड कट हो गया और इसको खींच के नॉट को टाइट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से टाइट हो गई हमारी थ्रेड, और मैजिक रिंग को भी खींच के सर्कल को छोटा कर लेंगे और ये हमारा फ्लावर बनकर कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।